दोस्तों, आज हम आपको पार्ट नंबर 3 में लेसन आपका 6 चल रहा है वेक्टर एनालिसिस में। आज आपको वेक्टर व्यूजन पढ़ाएंगे। वेक्टर व्यूजन जो किसी दिए हुए वेक्टर को दो घटकों में विभाजित करते हैं, कोई वेक्टर दिया जाए तो उसे दो घटकों में विभाजित कर दें, दो घटकों में तोड़ दें, तो वेक्टर का संयुक्त प्रभाव प्रत्येक वेक्टर के समान होता है। जो दो अवयव में तोड़ोगे तो दोनों प्रत्येक का जो है वो प्रभाव समान होता है। तो अब मान लिया कोई वेक्टर ए को प्रारंभिक श्रेय को मूल बिंदु पर रख करके और दो और उसे दो घटकों OX और OY में खींचते हैं। तो हमने क्या कहा कि किसी दिए हुए वेक्टर को दो घटकों में विभाजित करते हैं और इसका वेक्टर का संयुक्त प्रभाव प्रत्येक वेक्टर के समान होता है, इसे हम वेक्टर विभाजन कहते हैं। वेक्टर माना कोई वेक्टर ये है और प्रारंभिक श्रेय को मूल बिंदु में रखते हैं और दो घटकों में दो घटक OX और OY में खींचते हैं। तो इसका मतलब हो गया वेक्टर ए बराबर AX वेक्टर AY वेक्टर। तो इसे हम ग्राफ में कैसे शो करेंगे? ग्राफ हमने ये तो X एक्सिस हो गई, ये Y एक्सिस हो गई, ये हमारा A वेक्टर हो गया। मूल बिंदु O पर एक प्रारंभिक सिरा मूल बिंदु पर रखा है, दूसरा सिरा हमारा ये है, तो ये थीटा कोण पर रखा है। तो जब ये स्लोप खिंचाव नीचे को रखेंगे तो ये हमारा AX हो गया और ये वाला AY हो गया। तो ये AY है तो ये भी AY होगा, क्योंकि Y एक्सिस पे हमने जो कटान है वो मरका पार्ट वाला है वो AY है, जो ये भाग होगा वो ये भाग होगा। तो ये भाग AX हुआ, ये भाग AY हुआ, तो A वेक्टर बराबर क्या हुआ? AX वेक्टर प्लस AY वेक्टर। लेकिन हमें त्रिभुज OPQ में ये 90 डिग्री का एंगल होता है और 90 और ये एंगल कितना होता है? थीटा होता है। तो कॉस थीटा क्या होता है? OP जो हमारा ये है आधार बटे कर्ण होता है। आधार कितना है हमारा? OP है और कर्ण कितना है? OR है। तो OR OP इसका मतलब वेक्टर A वेक्टर अपॉन AX वेक्टर, ठीक है। तो अब हम इसमें करेंगे AX वेक्टर बराबर A वेक्टर cos थीटा, A वेक्टर cos थीटा हो गया। तो A वेक्टर cos थीटा जो हमारा हुआ तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो इसमें हम ये हमारा ये AX है, ये हमारा A वेक्टर है, तो ये अपॉन ये तो हमारा x हो गया, ये हमारा वेक्टर हो गया है, ये वेक्टर हो गया। तो हमारा ये अब हमारा इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ax वेक्टर बराबर a वेक्टर cos थीटा। सेम इसी प्रकार से sin थीटा लेंगे, sin थीटा में ये अपॉन ये क्या हमारी pr, ये कितना है OR, तो इस मतलब साइन थीटा बराबर पी आर अपॉन ओ आर। तो ए वाई अपॉन ए की मल्टीप्लाई साइन में हो जाएगी, तो ए वाई बराबर कितना होगा? ए वेक्टर साइन थीटा। अब हमें क्या करना है? इनका परिमाण निकालना है। तो ए एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर को जोड़ देते हैं। तो ए वेक्टर इक्वेशन फर्स्ट का और इक्वेशन सेकेंड का वर्क करके जोड़ देंगे। तो हमने करा ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इंटू 1 इजकल टू ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर, तो स्क्वायर को यहाँ भेजेंगे रूट में आ जाएगा ए इजकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का रूट। ये हमारा क्या आ गया? ये वैक्टर ए का परिमाण आ गया। क्या हो गया? वैक्टर ए का परिमाण हमने निकाल दिया। अब वैक्टर ए की दिशा निकालनी है तो इस पी क्यू आर त्रिभुज में ही त्रिभुज ओ पी आर में टेन थीटा का फॉर्म लगाएंगे। टेन थीटा पर क्या होता है? लंबटे कर्ण, लंबटे आधार, लंब कितना पी आर, आधार कितना ओ ई,
तो ए वाई अपॉन ए एक्स, ए वाई अपॉन ए एक्स, ए वैक्टर ए एक्स वैक्टर, ए वाई वैक्टर अपॉन ए एक्स वैक्टर, वैक्टर से वैक्टर कैंसिल कर देंगे, थीटा बराबर क्या टेन को इधर लाएंगे तो टेन इनवर्स इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स। वैक्टर परिमाण में भी लिख सकते हैं, वैक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और परिमाण रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा होगा वैक्टर वियोजन का व्यंजक ज्ञात करना, वैक्टर वियोजन का परिमाण ज्ञात करना। इसके बाद आगे बच्चों अब स्टार्ट करते हैं दो वैक्टरों का अधिश गुणन, जिसको कहते हैं स्केलर वैक्टर। दो वैक्टरों का अधिश गुणन क्या होता है? दो वैक्टरों का वैक्टर गुणन एक अधिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? दो वैक्टरों के यदि हम स्केलर गुणन करते हैं, उनको गुणा करें अधिश गुणन, तो एक हमें अधिश राशि प्राप्त होती है। जो दो वैक्टरों के परिमाण तथा उनके बीच की कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। दो वैक्टरों का परिमाण और उनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है, इसे हम वैक्टरों का अधिश गुणन कहते हैं। ठीक है, माना दो वैक्टरों के बीच कोण थीटा है, तो वैक्टर ए और बी, ए मॉडुलस बी मॉडुलस कॉस थीटा। तो अब हम यहाँ डायग्राम कैसे बना दें? डायग्राम हम बना सकते हैं, इसमें हमने ए वेक्टर ले लिया और थीटा कोण पर बी वेक्टर ले लिया, तो इस वेक्टर और इस वेक्टर का जो एरिया होगा दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, तो अब हमारा क्या होगा? ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा है। तो इस मॉडल ए मॉडुलस का मान ए, बी मॉडुलस का मान बी इंटू कॉस थीटा। अगर हमें इसके बीच का एंगल निकालना है तो क्या करें? कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन ए बी, ए डॉट बी अपॉन ए बी, तो ये हम इससे हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं। दूसरी बात, अगर अधिश गुणन से हम सेम विशेषता पूछता है तो विशेषता कितनी आसान होती है कि पहला पॉइंट होता है स्केलर गुणन प्लस जीरो और ऋणात्मक हो सकता है। स्केलर गुणन की हम मल्टीप्लाई ज्ञात करेंगे तो प्लस में भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, माइनस में भी हो सकता है। दूसरी बात, इसमें क्रम विनिमय नियम लागू होता है। दूसरा, तीसरा पॉइंट यह है वितरित होता है, ये वितरण के नियम का पालन करता है। जैसे हम कहें ए डॉट बी बी प्लस सी, तो लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है, और चौथा पॉइंट, लंबवत वेक्टरों का अधिश गुणन शून्य होता है। अगर हम दो वेक्टर लंबवत हैं और उनके हम अधिश गुणन करते हैं तो क्या हो जाएगा? शून्य होगा। और लास्ट पॉइंट फाइव, कि हमारा जो यूनिट वेक्टर होते हैं आई जे के, आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई का मान क्या होगा? जीरो। लेकिन अगर वेक्टर की आई के साथ आई, जे के साथ जे, के साथ के करेंगे तो कितना हो जाएगा? वन। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये इसकी विशेषता है, अधिश गुणन की विशेषता हमने आपको बता दी। अब इसमें दूसरा हेडिंग चलता है सदिश गुणन, जो इम्पोर्टेंट है, आता है पेपर में, आपको भी आएगा। सदिश गुणन क्या होता है? दो वैक्टरों का गुणन एक सदिश राशि होती है, जो दो वैक्टरों के परिमाण और उनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। यदि दो वैक्टर ए तथा बी के बीच कोण थीटा है तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए मॉडुलस बी मॉडुलस साइन थीटा एन कैप, ए क्रॉस बी इक्वल टू एन ए बी साइन एन कैप। एन कैप क्या है? एकांक वैक्टर है। एकांक वैक्टर ये आपको तैयार करना है। ये मैंने इतना काम करा दिया है, कोई भी मेरे पहले पढ़ा होगा वो मेरे साथ इतनी थ्योरी नहीं कराएगा, और मैं आपको अच्छी तरह थ्योरी लिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कितना क्या लिखना है। इसे आपको तैयार करना है, भली भांति से तैयार कर लीजिए, इसे लिख लिए और अपना फेयर वर्क डेली का डेली करते जाएं। ओके, अब आगे चलते हैं।